वीएसडी के बाद है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज अ फेयरली कॉमन हार्ट डिफेक्ट दैट कैन अकर सून आफ्टर बर्थ। ये कॉमन हार्ट डिफेक्ट है, ठीक है, दैट कैन अकर सून आफ्टर बर्थ, जो कि यानी के बर्थ फौरन बाद होता है। नॉर्मली ये हमारे जिस्म में होता ही होता है, यानी के डक्टस आर्टरियोसिस ओपन होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ इट शुड बी क्लोज, ठीक है, विद इन 1 or 2 days ये खुद ब खुद क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर क्लोज नहीं होगा देन वी विल नेम इट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। इन पीडीए एबनॉर्मल ब्लड फ्लो अकर्स बिटवीन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। इसमें ब्लड फ्लो किस साइड पे होगा? एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ होगा। ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ जो ब्लड फ्लो होता है वो किस साइड पे होता है? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उस साइड से ब्लड किस साइड पे आ रहा होता है? एओर्टा की तरफ। लेकिन जिस वक्त बर्थ हो जाती है उस वक्त यानी के जो बेबी का हार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो उस वक्त जो आर्टरी का प्रेशर होता है, ठीक है, एओर्टा का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फिर ये जो शंट है वो बैकवर्ड हो जाती है, यानी कि एओर्टा से आगे पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है ब्लड, क्योंकि एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा है। एओर्टा से फिर ब्लड किस साइड पे जाएगा? एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? बिफोर बर्थ दीज आर्टरीज आर कनेक्टेड बाय अ ब्लड वेसल कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस। बर्थ से पहले ये आर्टरीज एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट होती हैं? डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस नॉर्मली यानी के बिफोर बर्थ ये प्रेजेंट होता है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन सून आफ्टर बर्थ इट शुड बी क्लोजेज। अगर ये क्लोज नहीं हो देन वी विल कॉल इट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। दिस ब्लड वेसल इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ फीटल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ये फीटल ब्लड सर्कुलेशन का एक इसेंशियल पार्ट है। विद इन मिनट्स और अप टू फ्यू सेकेंड फ्यू डेज आफ्टर बर्थ द डक्टस आर्टरियोसिस क्लोजेस, यानि के बर्थ के फौरन बाद या मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाना चाहिए नॉर्मल में, ठीक है। इन सम बेबीज हाउ एवर द डक्टस आर्टरियोसिस रिमेन्स ओपन। कुछ बेबीज में ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये ओपन रह जाता है, ठीक है। द ओपनिंग अलाउज ऑक्सीजन। मैंने आप लोगों से पहले भी काफी दफा कहा है कि अगर आप लोग बातें कर रहे हो तो अपना माइक म्यूट कर दिया करें, ठीक है। द ओपनिंग अलाउज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द एओर्टा टू मिक्स अप विद ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इस ओपनिंग से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि एओर्टा में है टू मिक्स विद ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, वो किस तरफ को जा रहा है? एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दिस कैन स्ट्रेन द हार्ट एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द लंग्स एंड आर्टरीज, इन लंग्स आर्टरीज, ठीक है। आपको पता है कि जब हार्ट की तरफ से तो ब्लड आ ही रहा है, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप कर ही रहा है। जब पल्मोनरी आर्टरी में राइट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है और एओर्टा से भी ब्लड जाना स्टार्ट हो जाए तो आपको पता है कि उस जगह का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये आप पैथोलॉजी में आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होती है? जो लंग्स के अंदर हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, लंग्स में जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। जो नॉर्मली हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं वो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है। जो पीडीए है, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वो क्या काज करवा सकता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। पीडीए इज ट्रीटेड विद मेडिसिन, कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर एंड सर्जरी। ये मेडिसिन के जरिए भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर कुछ किए जा सकते हैं अगर फिर भी ट्रीट ना हो, यानी कि मेडिसिन जब फेल हो जाए तो कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर ट्राई किया जाता है, अगर वो भी फेल हो जाए देन लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, ठीक है। स्मॉल पीडीए पीडीए इज ऑफन क्लोज विदाउट ट्रीटमेंट। जो
छोटे पीडीए होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल पेटेंट डक्टोसार्ट्रियोसिस है, छोटे साइज का, ठीक है, वो खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। नॉर्मली जो होता है खुद ब खुद क्लोज है, अगर क्लोज नहीं हो तो मेडिसिन देते हैं तो इजीली क्लोज हो जाता है। तो जो थोड़ा डीट हो फिर भी क्लोज ना हो तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, और मोस्टली उसमें क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर उसमें भी नहीं हो, ठीक है, देन वी विल गो फॉर सर्जरी, लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास सर्जरी बच जाता है। वाल्वुलर डिफेक्ट्स, सिंपल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स आल्सो इन्वॉल्व वाल्वुलर डिफेक्ट्स दैट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो सिंपल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं वो हमने पढ़े हैं, ठीक है, उनमें वाल्वुलर डिफेक्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, स्टीनोसिस हो सकता है, एट्रीशिया हो सकता है, या रीगर्जिटेशन हो सकता है, ठीक है। स्टीनोसिस का भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, रीगर्जिटेशन का भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, एट्रीशिया का एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। स्टीनोसिस क्या है, दिस डिफेक्ट अकर्स इफ द फ्लैप्स ऑफ अ वॉल थिकन स्टिफन और फ्यूज टुगेदर, ठीक है, या उनकी थिकनेस ज्यादा हो जाए, या वो स्टिफ हो जाए, ठीक है, ओपन ही नहीं हो, या आपस में फ्यूज हो जाए, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो नॉर्मली जितना ओपन होना चाहिए उतने ओपन नहीं होते। एज अ रिजल्ट द वॉल कैन नॉट फुल्ली ओपन, ठीक है, जब वो फुल्ली ओपन नहीं होंगे, दस द हार्ट हैज टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड थ्रू द वॉल। तो उस सूरत में क्या होगा कि हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस वॉल, मेरी क्लास है इसके बाद में। ठीक क्या चीज़ है, इस बात क्या ही आता भैया, पता नहीं क्या मसला है इन लोगों को। दस द हार्ट हैज टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड थ्रू द वॉल, ठीक है, उसके बाद है एट्रिशिया। दिस डिफेक्ट अकर्स इफ अ वॉल डजेंट फॉर्म करेक्टली एंड लेक्स आ होल फ्रॉम फॉर ब्लड टू पास थ्रू। इसमें क्या है कि जब जो वॉल्व है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली फॉर्मेशन ही उसकी नहीं हो, ठीक है, जो वॉल्व है वो प्रॉपरली बने ही ना, उसमें नॉर्मली जो होल होना चाहिए वो होल ही ना हो, ठीक है, ओपनिंग जो होनी चाहिए वॉल्व के अंदर वो ओपनिंग हो ही ना, तो उस कंडीशन का नाम जो है एट्रीशिया है, ठीक है, वाल्वुलर एट्रीशिया का नाम देते हैं, ठीक है। एट्रीशिया ऑफ अ वॉल्व जनरली रिजल्ट्स इन मोर कम्प्लेक्स कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो इसकी वजह से क्या है कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। रिगर्जिटेशन, दिस डिफेक्ट इफ अ वॉल्व डजंट क्लोज टाइटली, ठीक है, अगर वॉल्व क्लोजली क्लोज ना हो टाइटली तो उससे क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो होगा ब्लड का, एज अ रिजल्ट ब्लड लीक्स बैक थ्रू द वॉल्व, ठीक है, तो वॉल से ब्लड जो है वो बैक फ्लो होगा, ठीक है, उस कंडीशन का नाम क्या है, रीगर्जिटेशन। अच्छा द मोस्ट कॉमन वॉल डिफेक्ट इज पल्मोनरी वॉल स्टीनोसिस व्हिच इज अ नर्विंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल, ठीक है। कंजेनाइटल में कौन सा वॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीनोसिस वाल्वुलर डिफेक्ट के लिहाज से, पल्मोनरी वॉल्व, उसकी क्या हो जाती है, स्टीनोसिस हो जाती है। बाकी वॉल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट मोस्ट कॉमनली कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, उसकी स्टीनोसिस हो सकती है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस बात को आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीवियर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इन न्यू बॉर्न, कौन कौन सी अलामत हो सकती हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है, सांस बहुत तेज लेगा जो फीटस होगा, ठीक है। साइनोसिस, साइनोसिस की वजह से क्या होगा, ब्लूइश टेंट टू द स्किन, यानी कि उसकी जो स्किन है वो ब्लूइश नजर आएगी, जो जो लिप्स हैं ब्लू नजर आएंगे, ठीक है, एंड द फिंगर नेल्स शुड विल बी ब्लू, ठीक है, उसका यानी कि पूरी जो बॉडी का टेक्सचर है आपको ब्लू नजर आएगा, स्पेशली क्या जो नोज की टिप होगी, ठीक है, उसके बाद जो लिप्स हैं, उसके बाद जो एयर के जो नीचे वाले बल्ब हैं वो, उसके बाद फिंगर नेल्स हैं, ठीक है, ये वाली जो स्पेशली जो चीजें हैं ना ये आपको बहुत ज्यादा ब्लू नजर आएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो टोटली जो अपीयरेंस होगी बच्चे की वो ब्लू नजर आएगी,
बच्चा बहुत तेजी से सांस ले रहा होगा, फटीग, ठीक है, बड़ा इरिटेटेड होगा, ठीक है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। ये इधर उन्होंने पिक्चर्स तो बड़े लोगों की लगाई हुई हैं, लेकिन जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो बच्चों की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, एक्सट्रीम टाइटनेस, रैपिड हार्ट बीट, रैपिड ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से रैपिड ब्रीदिंग होगी, ठीक है ना, बच्चा तेज तेज सांस लेगा, चेस्ट पेन होगी, ठीक है, और क्लबिंग होगी, फिंगर क्लबिंग, फिंगर नेल की, ठीक है ना। कम्प्लेक्स कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, पहले हमने कौन किस चीज की बात की है, सिंपल की, तो अभी कम्प्लेक्स की करते हैं। द मोस्ट कॉमन कम्प्लेक्स हार्ट डिफेक्ट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट। जो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है वो कौन सा है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, पल्मोनरी वॉल्व स्टीनोसिस होगी, इसमें चार चीजें होती हैं। टेट्रा का मतलब पता है ना, टेट्रा का मतलब होता है फोर, ठीक है, तो इसमें फोर कंडीशंस टुगेदर होंगी, ठीक है, चार कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होंगी इस बंदे में, ठीक है, इस बच्चे में। पल्मोनरी वॉल्व की स्टीनोसिस होगी, ठीक है, उसके बाद अ लार्ज वीएसडी होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एन ओवरराइडिंग एओर्टा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये चार प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। टेट्रा का मतलब होता है फोर, ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या है, फोर। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट में आप लोगों ने याद रखना है कि इस बच्चे में फोर प्रॉब्लम्स होंगी, पल्मोनरी वॉल्व स्टीनोसिस होगी, अ लार्ज वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, पल्मोनरी वॉल्व स्टीनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग एओर्टा एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ये चारों आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों को पूछा जाए कि हाँ जी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट के कंटेंट बताएं, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट के ये चार कंटेंट हैं, ठीक है, ये चारों आप लोगों को आने चाहिए। अच्छा जी, ओवरराइडिंग एओर्टा क्या है, इन दिस डिफेक्ट द एओर्टा इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल डायरेक्टली ओवर द वीएसडी, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल कैन फ्लो डायरेक्टली इनटू द एओर्टा इंस्टेड ऑफ इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ओवरराइडिंग एओर्टा का मतलब क्या है कि जो एओर्टा है वो डायरेक्टली किस जगह पे प्लेस होगी, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है ना, उस जगह पे डायरेक्टली उस जगह से एओर्टा ओरिजिनेट हो रही होगी, ठीक है। जब उस जगह पे एओर्टा ओरिजिनेट हो रही होगी तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स अप होके एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को पंप किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इन दिस डिफेक्ट द मसल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिकर देन यूजुअल बिकॉज इट हैज टू वर्क हार्डर देन द नॉर्मल। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, ठीक है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। जब उसका प्रेशर ज्यादा होगा तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से जो ब्लड है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा, तो राइट साइड को ज्यादा फोर्सफुली पंप करके, नॉर्मली उसको इतना फोर्सफुली पंप नहीं करना पड़ता क्योंकि राइट साइड का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जब राइट साइड का प्रेशर बढ़ेगा तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो राइट साइड के जो मसल्स हैं उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, नॉट इनफ ब्लड इज एबल टू रीच द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्लो टू द बॉडी, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट में आप लोगों को पता है कि एक तो वीएसडी है और दूसरे नंबर पे ओवरराइडिंग एओर्टा है। ओवरराइडिंग एओर्टा की वजह से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो डायरेक्टली किस साइड पे जा रहा है, एओर्टा के अंदर, ठीक है, और एओर्टा से पूरी बॉडी को सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। नॉट इनफ ब्लड इज एबल टू रीच द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन, जब ब्लड ज्यादा किस साइड पे जा रहा है, एओर्टा की तरफ, तो ब्लड किस साइड पे नहीं जाएगा, लंग्स की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्लो टू द बॉडी, जब मिक्स्ड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड ब्लड बॉडी को जाएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो कम होगी, जिसकी वजह से बॉडी पे हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, बॉडी को भी ऑक्सीजन की कमी होगी।
वही सेम चीज इधर भी दिखाई गई है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये टेट्रोलॉजी ऑफ एलर्ट, ये देखो ये VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और इसके ऊपर ये क्या चीज स्टार्ट हो रही है, एओर्टा, ये इस जगह से एओर्टा स्टार्ट हो रही है, ये देखो ये, और ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल है, पल्मोनरी वाल्व की स्टीनोसिस की हमने बात की है, ये देखो इसमें क्या है, ये स्टीनोसिस है, ठीक है, जो इसका ओपनिंग है वो प्रॉपरली ओपन नहीं है, क्योंकि इस जगह के जो मसल्स हैं उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई, जो जो पल्मोनरी वाल्व के फ्लैप्स हैं वो आपस में फ्यूज हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड इजीली इस जगह से पास नहीं कर सकेगा, एक तो ब्लड यहाँ से इजीली पास नहीं कर सकता, तो इस वजह से जो राइट साइड है उसको ज्यादा फोर्सफुली काम करना करना पड़ेगा, और उसके अलावा लेफ्ट साइड जब इधर ब्लड भेजेगी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा है, जब वो पंप करेगी तो ब्लड राइट साइड पे आएगा, ठीक है, उस वजह से भी जो राइट साइड का प्रेशर ज्यादा हुआ है, ठीक है, तो राइट साइड को ज्यादा फोर्सफुली काम करना पड़ेगा, ज्यादा अरसे तक जब वो फोर्सफुली काम करेगा तो राइट साइड के जो मसल्स हैं उसकी आप देख सकते हैं कि हाइपरट्रॉफी हो गई है, उसका साइज इंक्रीज हो गया, नॉर्मल में उसका साइज देखें क्या है, ठीक है, और टेट्रोलॉजी ऑफ एलर्ट में उसका साइज देख लें क्या हो गया है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी स्टीनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, और ओवरराइडिंग एओर्टा, चार कंटेंट आपको नजर आ रहे हैं इसमें, इस पिक्चर में, क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इतने मासूम है कि आगे से जवाब ही नहीं देते, सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं बोलोगे ना तो मैं तो आगे पढ़ा के चला जाऊंगा, अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं इसलिए पूछता हूँ, चलो उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद है ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ओपन हार्ट सर्जरी आइदर सून आफ्टर बर्थ और लेटर इन इन्फेंसी, ठीक है, अगर तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है तो हम इन्फेंसी तक उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन यानी कि इन्फेंसी इन्फेंट को ही बोलते हैं, यानी कि होना विद इन वन मंथ 28 डेज के अंदर अंदर उसकी सर्जरी करके उस इस जो डिफेक्ट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, चिल्ड्रन हु हैव हैड दिस हार्ट डिफेक्ट रिपेयर नीड लाइफ लॉन्ग मेडिकल केयर फॉर फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट टू मेक श्योर दे स्टे एज हेल्दी एज पॉसिबल, जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी इवन आफ्टर ट्रीटमेंट दे हैव टू विजिट अ स्पेशलिस्ट लाइफ लॉन्ग एंड दे हैव टू टेक मेडिकल केयर, ठीक है, to make sure that they are spending their healthy life, क्योंकि इनमें किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि हार्ट के रिलेटेड, तो उनको मेडिकल केयर करनी पड़ती है, जिस तरह के एक नॉर्मल बच्चा लाइफ गुजार सकता है इनकी लाइफ उस तरह नहीं होती, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। हाँ जी, सबको ये बातें समझ आ गई हैं? Yes, sir. जी सर आ गया समझ। सही हो।